नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपको मैं फेसबुक लाइव में आया हूँ। मुझे एक वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज करना था। कल मुझे शायद 2 बजे मेवार कुमार जमातिया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि एनसी बाबू टाकरजला में जंपुजला में कोई प्रोग्राम कर रहा है और उनको काला झंडा दिखाया जा रहा है और उनके ऊपर अटैक हो रहा है। उस समय मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है और मैंने इमीडिएटली अपने जंपुजला के जो भी लीडर्स हैं उनको बोला जाके फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद मैंने खुद 3 बार फ़ोन किया और सिचुएशन को डिफ्यूज़ कराया। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग टिपरासा होकर अपने ही सीनियर्स को बेइज्जत करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। ये टॉलरेट नहीं होगा। मैंने पहले भी 2 बार वार्निंग दिया था। आज मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि मैंने कह दिया है कि जिसने भी काला झंडा या स्लोगन उठाया, डिस्ट्रप्ट करने का कोशिश किया प्रोग्राम ऑफ एनसी देव वर्मा, उनको मैं टिपरा मोथा से सस्पेंड कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर्स दे दिया है, इन लोगों को इमीडिएटली सस्पेंड किया जाएगा और इनको टिपरा मोथा में पोजीशन नहीं दिया जाएगा। ये मैंने डिसीजन ले लिया है एंड दे विल बी सस्पेंडेड राइट अवे। ये मैसेज मैंने वहाँ के सीनियर लीडर को भी बोल दिया है कन्वे करने के लिए, और जो लोग हैं उनका एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। मैंने देखा है कि ये बहुत ख़राब कल्चर है। जब मैं मिर्ज़ा कथलिया गया था तो उस टाइम IPFT के लोग ने मुझे काला झंडा दिखाया। जब पीयूष विश्वास कहीं गए थे उसके ऊपर अटैक हुआ। जब मानिक सरकार कहीं गया था तो मानिक सरकार के ऊपर अटैक हुआ। ये जो जितेंद्र चौधरी, जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, जितेंद्र चौधरी के ऊपर ओमपी में अटैक हुआ, मेरे ऊपर फिर से मोहनपुर में अटैक हुआ। ये जो पॉलिटिकल अटैक्स होता है, ये काला झंडा का पॉलिटिक्स, ये मैं इससे एकदम एग्री नहीं करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू नाउ, क्योंकि मैंने देखा कि जब जितेंद्र चौधरी के ऊपर अटैक हुआ, IPFT के लोग ने अटैक किया तो किसी ने एक्शन नहीं लिया। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ मोहनपुर में SDM के वहाँ में, तो जो लोग ने ये गुंडागर्दी किया उसको कुछ एक्शन पार्टी ने नहीं लिया। जब ब्रिजेश विश्वास के ऊपर अटैक हुआ तो किसी ने अटैक नहीं किया लिया, सस्पेंड किसी को नहीं किया। टिपरा मोथा को मैंने पहले से, जो 2-3 लोग जो नए नए आए हैं जो ट्रबल कर रहे, मैंने वार्निंग दिया था। और कल क्योंकि जो हुआ है ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि एनसी देव वर्मा भी टिपरासा है, मैं भी टिपरासा हूँ, और ये काला झंडा दिखाकर ये जो गंदा राजनीति हमने शुरू किया इसको बंद करने के लिए सबसे पहला कदम बुबाकरा को ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं इमीडिएटली, मैंने बोल दिया है कि जो लोग थे उसके पीछे दे शुड बी सस्पेंडेड, और मुझे आज शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन ऑफिशियली मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जिसने भी काला झंडा दिखाया उनको टिपरा मोथा से सस्पेंड किया जा रहा है। और मैं दूसरे पार्टी को जो ये भी एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि ये शायद कभी होता नहीं, ये त्रिपुरा का कल्चर नहीं था, काला झंडा दिखाना, एक दूसरे को गाली बकना, रोकना, ये टिपरासा का कल्चर था ही नहीं। ये कल्चर हमने लाया और आज उसी कल्चर के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। हमको भी सोचना चाहिए कि जब ये लोग ऐसा कुछ काम करें, गलत काम, तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं फिर से सबको अपील करता हूँ कि अगर किसी ने ये नया रकम का राजनीति का खिलाफ कुछ करने का कोशिश किया, मुझे किसी का दरकार नहीं है। अगर आपने टिपरा मोथा के नाम में कहीं में भी प्रॉब्लम किया, यू विल बी सस्पेंडेड। और अगर आपको लगता है कि आपका लोकल नेता आपको बचाएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हम टिपरासा का थांचा चाहते हैं, ग्रेटर टिपरा लैंड चाहते हैं, हम गुंडागर्दी नहीं चाहते। अगर हमको आगे बढ़ना है तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो कल्चर आप लेके आ रहे हैं,
ये हमारा तिपरासा कल्चर नहीं है। तो जैसे जिसने जम्पू जला में कल ये किया था हरकत, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अगर आज मैंने सुना है कि बेलबाड़ी में भी कुछ हो रहा है, मैंने सुना है कि MLA के वहां में भी कुछ अटैक हुआ है, आप लोग जिसने भी ये किया है आप लोग रेडी हो जाइए, आप भी सस्पेंड हो जाएंगे पार्टी से। आई एम वार्निंग एवरीवन, टिपरा मोथा के नाम में बुबागरा का नाम को खराब करने का कोशिश मत करो। ये टाइम नहीं है पॉलिटिकल रैलीज का, ये टाइम है हम सबको एक होकर थांचा दिखाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। टाइम है कि ग्रेटर त्रिपुरा का मूवमेंट रिलॉन्च करने के लिए। ये टाइम धंधा करने के लिए नहीं है और गुंडे के लिए कोई ये नहीं होगा।